हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन अनदर वीडियो लेक्चर ऑफ कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ वर्टिब्रेट पेपर। इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट द स्केलेटल सिस्टम इन विच वी विल डिस्कस इन डिटेल टुडे अबाउट इवोल्यूशन ऑफ विसरल आर्चेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू माइट हैव अ क्वेश्चन दैट व्हाट इज अ विसरल आर्च और व्हाट आर द विसरल आर्चेस। So without wasting time, let's go to the another slide. Okay. So the question that what you have, what are visceral arches and their functions? So that what will be discussed in this. So first of all, you have to be aware of embryology or embryological structure of any animal or a. Basically, we are talking about the vertebrates, so you have to be aware of the embryological part of vertebrates. First I will introduce you what are visceral arches. So visceral arches are nothing but they are also called as branchial arches or pharyngeal arches. Branchial arches or pharyngeal arches, unko kyun bola jata hai? Because they belong to the pharynx portion. अभी जैसे मैंने बोला कि इवोल्यूशन होता है, तो एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडी व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इवोल्यूशन और व्हेन वी टॉक अबाउट द इवोल्यूशन, वी बेसिकली वी कंपेयर द एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, फोर मेजर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्टिब्रेट्स, तब भी मैंने बोला था कि जो कॉमन पॉइंट्स है, जो प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड है, प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल वेंट्रल नर्व कॉर्ड है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स जो हैं, फेरेंजियल गिल स्लिट्स नाउ आई एम रिपीटिंग, एंड जो पोस्ट एनल टेल है, तो वो कॉमनली जो एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं वहाँ पर डेफिनेटली प्रेजेंट होती है पाँचों क्लासेस में। क्लासेस के बारे में मैंने बोला था पिछले वीडियो में ही, वी विल टॉक अबाउट द क्लासेस पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एज एंड मैमल्स। सो पांचों जो भी एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर होते हैं वो सेम होते हैं और सेम डेवलप होते हैं और फिर बाद में मॉडिफिकेशंस होते हैं उनमें, एंड अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट दे गट मॉडिफाइड। सो ये जो ब्रैंकियल आर्चेस है या विसरल आर्चेस है, दैट व्हाट वी आर कॉलिंग विसरल आर्चेस, सो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज फेरिंजियल आर्चेस, विच मीन्स कि वो फेरिंग्स का एक पार्ट है। व्हेन द फेरिंग्स इज डेवलपिंग एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट, जब बेबी का डेवलपमेंट होता है, फिटल डेवलपमेंट होता है, तब एम्ब्रियोलॉजी के टाइम पे, सो दिस इज द पार्ट ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। सो आई एम explaining you because ke basic nahi pata hota hai, that's why. So this is the pharyngeal visceral arches jo hai, to abhi I have mentioned here, so it is the made up of three things, it just comprises three parts at that time of development. To ye teen part kon kon se hai, pharyngeal arches, pharyngeal pouch and pharyngeal slits. सो हम जो बोलते हैं कि फेरिंजियल गिल स्लिट्स होते हैं, तो वो मैं बताऊंगी वो कैसे डेवलप होते हैं एंड वो क्या होते हैं वो। तो हमको बेसिकली विसरल आर्चेस देखने हैं, जो क्या है, जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है तो तीन पार्ट से मिलकर ये पोर्शन बनता है, दैट इज फेरिंजियल आर्चेस, फेरिंजियल पाउचेस एंड फेरिंजियल गिल स्लिट्स। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट okay slide. Here you can just see the diagram here, ek embryo ka diagram hai. So this is the embryo of mammal actually. So you can see that it is a developing embryo. To yahan pe cross section hai embryo ke upper portion ka, head portion ko, to pharyngeal jo bhi hai, pharynx ka jo formation ho raha hai. So basically when we are talking about vertebrates, so we all know that they are made up of three germinal layers. Ectoderm होगा, okay? Ectoderm होगा, उसके बाद mesoderm होगा, and then there will be endoderm, okay? So at the time of development, ये तीनों layers होती हैं, ectoderm, mesoderm and endoderm. So for the formation of पाउचेस, गिल सॉरी फेरिंजियल पाउचेस जो है, तो वो क्या होता है, एंडोडर्मल लेयर जो होगी, दैट एंडोडर्मल लेयर विल स्टार्ट जस्ट मूविंग
टूवर्ड्स द मीजोडर्म अ बिट मोर और फिर वो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर प्रिपेयर करेगी. सो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन जाएगा. ये मैंने मीजोडर्म इससे बताया था. सो इट विल मूव टूवर्ड्स द मीजोडर्म एंड फिर इसके ऊपर होगी एक्टोडर्म. ओके सो इट विल मेक अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर. सो ये जो पाउचेस है सो दीज पाउच दिस इज द फैरेंजियल पाउच. ओके सो यहाँ पे बताती हूँ मैं डायग्राम में. सो दिस पोर्शन दिस क्लेफ्ट्स इनसाइड द एम्ब्रियो यू कैन से. सो दिस इज द पाउच. तो ये जो पोर्शन जो क्लेफ्ट बने हुए सो दीज आर द पाउचेस. सो दीज आर फैरिंजियल पाउचेस जो इनर साइड पे डोम लाइक सॉरी जो इनर साइड पे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं जो इनर साइड पे फरो लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं तो वो क्या है. दीज आर नथिंग बट द गिल पाउचेस. ये कितने होते हैं क्या होते हैं वो मैं बताऊँगी. सो उसके बाद सेकेंड पार्ट जो है सेकेंड पार्ट क्या है. द सेकेंड पार्ट ऑफ विसरल आर्च इज गिल फेरेंजियल आर्च इज देयर. फेरेंजियल आर्च क्या होती है. सो फेरेंजियल आर्च इज नथिंग बट द कर्वनेस विच अकर्स इन टू द एक्टोडर्म. जैसे एंडोडर्म मूव कर रहा था टूवर्ड्स मेजोडर्म और उसने क्या किया उसने बनाया द पोर्शन दैट इज गिल पाउच. वैसे ही एक्टोडर्म मूव करेगा टूवर्ड्स द मेजोडर्म. इट विल ऑल्सो मूव टूवर्ड्स द मेजोडर्म एंड वो बनाएगा आर्च लाइक स्ट्रक्चर. सो दैट विल बी कॉल्ड एज गिल फेरेंजियल आर्च. आई एम सॉरी फेरेंजियल आर्च. सो ये यहाँ बाहर साइड में जो है डोम लाइक स्ट्रक्चर दिस आर द फेरेंजियल आर्च. ये है फेरेंजियल. आई राइट इट अ बिट क्लियर सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. ओके दिस इज द फेरेंजियल आर्च. ओके एंड जो इनर साइड में जो पाउचेस बन रहे ये जो पाउचेस बन रहे दिस आर द फेरेंजियल पाउच. ओके होप दिस इज द क्लियर थिंग दैट यू गॉट क्लियर अबाउट फेरेंजियल आर्च एंड फेरेंजियल पाउच. फेरेंजियल आर्च क्या होता है फेरेंजियल पाउच क्या होता है. ओके व्हेन दिस क्लेफ जो फरो जो बोलते हैं फरो मतलब एक कट बनना एक कट प्रिपेयर होना. ये जो इनर साइड पे मूव कर गया कट प्रिपेयर हुआ तो ये आउटर एक्टोडर्म मूव कर गया. फिर इनर जो मीजोडर्म है वो भी सॉरी इनर जो एंडोडर्म है वो भी मूव कर गया. सो जब ये मूव होंगे और फिर जब ये जो आउटर एक्टोडर्म मूव करके अंदर तक यानी अंदर जो कैविटी है वहाँ तक एक वे बना देगा या एक रास्ता या एक ओपनिंग बना देगा तब उस ओपनिंग को बोला जाएगा. सो इट विल लुक लाइक दिस. आई विल जस्ट मेक इट क्लियर. इट विल लुक लाइक दिस. सो ये हो गई आर्चेस एंड देर विल बी पाउचेस. सो ये क्या हो गया एक ओपनिंग प्रिपेयर होगी इन आउटर एटमोसफियर एंड इनर एटमोसफियर. सो ये जो ओपनिंग है सो दिस ओपनिंग विल बी कॉल्ड एज फेरेंजियल स्लिट. ओके सो अब द क्वेश्चन अराइजेज दैट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस फेरेंजियल आर्च और विसरल आर्च. सीधी सीधी बात है पूरा ही ले लेते हैं फेरेंजियल आर्च फेरेंजियल पाउच और फेरेंजियल स्लिट्स का या क्लेफ्ट का मैकेनिज्म क्या है वर्क क्या है. सो फॉर दैट ओके यू कैन ऑब्जर्व हियर दिस आर द डिफरेंट एम्ब्रियोज ऑफ डिफरेंट द फिश का है रेप्टाइल का है और बर्ड का है यहाँ पे और एक ह्यूमन एम्ब्रियो दैट इज बिलोंगिंग टू द मैमल ओनली. तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे सब में गिल जो फेरेंजियल जो पाउचेस है या फेरेंजियल आर्चेस वो सब में प्रेजेंट है. ओके तो बेसिकली ये क्या करता है. सो बेसिकली दिस पोर्शन जो आर्चेस है वो क्या करते हैं जॉ और जो कार्टिलेज का स्ट्रक्चर है या फिर जो स्केलेटल सिस्टम है आउटर स्केलेटल जो है सॉरी इनर स्केलेटल जो है लाइक कि जॉ के मसल्स जो है सॉरी जॉ बोन्स जो है वो प्रिपेयर करेंगे आर्चेस
और जो पाउचेस होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग एंडोक्राइन सिस्टम एंड अदर पार्ट्स. सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. ओके, हियर यू कैन ऑब्जर्व ये जो यहाँ पे दिए. सो दिज आर द आर्चेस, विसरल आर्चेस की हम बात कर रहे हैं तो वी विल फोकस ऑन आर्चेस ओनली. सो ये क्या करते हैं, ये जॉ बोन प्रिपेयर करते हैं इन पाइसिस एंड ये हायोड बोन प्रिपेयर करते हैं जो सपोर्ट करती है जॉ बोन को. और फिर ये गिल सिस्टम प्रिपेयर करते हैं. ओके, गिल स्लिट्स जो बने थे. हाँ, तो गिल स्लिट्स की ज़रूरत कहाँ पे होती है, पाइसिस में होती है. सो गिल स्लिट्स जो प्रिपेयर हुए थे वो रिमेन रहेंगे थ्रू आउट द लाइफ इन एक्वेटिक एनिमल्स. और जो अदर एनिमल्स हैं जैसे कि वी मैमल्स, सो हम में ये जो गिल स्लिट्स हैं यहाँ पे जो देख रहे हो ये गिल स्लिट्स, ये क्या हो जाएंगे, ये क्लोज हो जाएंगे बिकॉज वी डोंट नीड टू ब्रीद इन वाटर. तो हमको गिल्स की ज़रूरत नहीं है. सो इन ह्यूमंस एंड इन पाइसिस देर इज़ अ स्लाइट डिफरेंस. तो विसरल आर्चेस या पाउचेस जो आर्चेस होते हैं वो 7 होते हैं इन केस ऑफ पाइसिस. एंड अदर जो एनिमल्स हैं उनके केसेस में ये सिर्फ और सिर्फ 5 होंगे, स्पेशली मैमल्स में ये सिर्फ 5 होते हैं. ओके, व्हाट दे डू, तो ये जो फर्स्ट आर्च होगी, जो फर्स्ट आर्च होती है विसरल आर्च होती है, तो वो क्या करती है, वो इंकस बनाती है. दैट इज़ द मिडल पार्ट ऑफ द ईयर और द पार्ट ऑफ हियरिंग सिस्टम और ऑडिटरी सिस्टम. सो ये जो फर्स्ट विसरल आर्च है उनका काम है हियरिंग, वेट अ मिनट आई चेंज द कलर, हियरिंग और ऑडिटरी सिस्टम जो है हमारा वो प्रिपेयर करते हैं वो. ओके, दे जस्ट हेल्प इन दैट. सेकेंड जो आर्च है, सेकेंड जो विसरल आर्च है दैट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ टॉन्सिल्स. ओके, टॉन्सिल्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट, वो भी मैंने एक्सप्लेन किया था या नहीं आई डोंट नो, बट स्टिल आई विल एक्सप्लेन इट अगेन. टॉन्सिल्स ऐसे पार्ट होते हैं जो हमारे जो फैरिंग्स होता है वहाँ पे प्रेजेंट हो रहे हैं, लोब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं एंड दे जस्ट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ एनी पैथोजन थ्रू अवर ट्रैकिया और थ्रू अवर फैरिंग्स. तो वो हम किसी भी पैथोजन को हमारी इनर बॉडी में एंटर नहीं होने देते. एंड फ्रॉम थर्ड टू फर्दर, अगर 7 होंगे तो 7 बोलो या फिर जो 5 बोलो 6 बोलो जो भी होंगे, तो सो वट एवर द नंबर ऑफ आर्चेस विल बी देयर, विसरल आर्चेस विल बी देयर, दे विल प्रिपेयर एन एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ दैट एनिमल. कंप्लीट एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ दैट एनिमल इज प्रिपेयर्ड बाय दैट विसरल आर्चेस. सो इट विल स्टार्ट, सो थर्ड जो विसरल आर्च है वहाँ से, थर्ड विसरल आर्च से लेके फिफ्थ तक या 7th तक वो प्रिपेयर करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम. ओके, एंड अगर हम बात कर रहे हैं फिशेस की तो वहाँ पे वो गिल सिस्टम भी जो है वो प्रिपेयर करते हैं. ओके, सो होपफुली यू हैव गॉट द कंप्लीट आइडिया अबाउट विसरल आर्चेस. सो वी विल स्टॉप हियर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. Thanks for watching. Have a nice day.